नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बोया का माइक्रोफोन जो मैंने अमेजन से मंगाया है इसके बारे में बताना जा रहा हूँ। ये मुझे आज ही प्राप्त हुआ है और यह दोस्तों इसका नाम है लवेरियर माइक्रोफोन BY-M1, जो सभी यूट्यूबर इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है और ये सभी डायरेक्शनल से जो है आवाज़ को कैच कर सकता है, क्योंकि इसका नाम है ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। और यह जो है माइक्रोफोन स्मार्टफोन और DSLR कैमरे इत्यादि में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने PC के साथ भी। दोस्तों मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या सामान आया है। जैसे आप लोग दोस्तों इसको देख रहे हैं, यह एक पाउच है और पाउच के अंदर ये मैनुअल है जिसमें किस तरह से हमें उसको इस्तेमाल करना है इसमें सब कुछ बताया गया है। और दोस्तों इसके साथ में एक जो वारंटी कार्ड है और इसमें लिखा है कि ये कौन कौन से पार्ट्स किस तरह से इसमें जो है वारंटी में है। और दोस्तों ये जेली का ये एक जो है जो सिलिका है जेल, और ये नमी को सोखती है। और साथ में इसके पाउच है ये, और दोस्तों ये जो है माइक्रोफोन है और इसके साथ में ये 6 मीटर लंबी केबल है। और इस पाउच में एक हमको हम इसको जब फाड़ेंगे या काटेंगे तो हमें मिलेगी एक ये जो है लिथियम की बैटरी है जो LR44 है, जिसका बैटरी का जो टाइप है LR44। और यह एक जैक है इसके साथ में जो कैमरे में फिट होता है। और ये एक है विंड स्क्रीन, और दोस्तों यह है एक लेपर क्लिप जिसको हम अपने इस माइक्रोफोन को इसके साथ में फंसा के अपने कपड़ों में लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो माइक्रोफोन है ये इसके सामने से ये यहाँ पे हम लोग जो विंड स्क्रीन है इसको इसके ऊपर लगाएंगे। और दोस्तों ये जो माइक्रोफोन है इसमें दो मोड हैं, एक कैमरे के लिए और एक स्मार्टफोन के लिए। और यदि स्मार्टफोन में हमको लगाना है तो तब इसमें बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कैमरे में हम इसको लगाते हैं तब हमें जो है बैटरी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो है ऑन ऑफ करने के दोनों मोड हैं। यदि हम इसको इसको जो है इसमें एक ऑफ साइड में तो स्मार्टफोन के लिए और कैमरे के लिए हमको ऑन करना पड़ता है इसे खोल के। और ये LR44 जो मॉडल बैटरी का टाइप है वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसमें इसका जो स्लॉट बना हुआ है ये उसी के अंदर जाती है और इसको डाल के हम उसको फिर से इसकी चूड़ियाँ लगा देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। नॉर्मली टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और ये एक लेदर का पाउच है, काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छा है दिखने में, आकर्षक। और दोस्तों इसको यदि हम इस जो इसका जैक है इसके अंदर डालेंगे तो यह इसके ऊपर एक मार्क बन के भी आता है और हम अपने साउंड वाले रिकॉर्डर में जाके साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है क्योंकि एक तो इसकी रेट बहुत कम है, इसके रेट काफ़ी कम है तो इससे सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं।
यदि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। Thank you.